जी हैं, शंकर प्रपाल जी हैं और राहुल प्रजापति जो इनके प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है। मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले कहा था कि वाकई की नीयत बहुत साफ कर दी है, साफ कर दो सब होता है। और राहुल प्रजापति अपने आप में मतलब वो एक ऐसे आदमी हैं जो कि मतलब सबको लेकर के चलते हैं, सबको लेकर के चलते हैं, वैसे ये फिल्म में देखने को मिलता था। और हमें किसी भी तरह का कभी शिकायत का मौका नहीं दिया उन्होंने। हमने कुछ 8-10 दिन मैंने शूटिंग की है और उनका बंगला है, बंगले पर शूटिंग की है, हमें कभी किसी कोई भी बात की कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। और सारे जो कास्ट थे सब ऐसे लगा कि फैमिली की तरह काम कर रहे हैं और सब अपने आप में मतलब ऐसा कितने लोग इसमें पहली मरतबा काम कर रहे हैं तो लग ही नहीं रहा था कि उनकी ये उनका ये पहली बार वो लोग काम कर रहे हैं। और मेरे दो चार इसमें दोस्त भी थे जैसे शाहिद माले, उनको मैं पहले से जानता हूँ, फिर जावेद हैदर जिनको मैं पहले से जानता हूँ, तो इशरत भाई बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, इन्होंने मेरी और भी दोस्त रेस की है। वाकई कुल मिलाकर के बहुत मज़ा आया काम करके और मेरा किरदार भी बहुत अच्छा है, अच्छा की तरह से कॉमेडी भी मैंने की है लेकिन अच्छा है और मुझे घूमने का मौका दिया, जो मुझे करना है वो मैंने किया तो अच्छा लगा। मतलब इनके बारे में पूछो ना, पहले जो भी एंकर वाला बंदा है उसको इधर बुलाइए, वो भी कहते हैं वो आप लोग वहाँ से आवाज दोगे अपने को ऐसा ऐसा नहीं चाहिए। एंकर वाला बंदा है के साथ पूछना चाहिए। प्रभात प्रभात आप लोग वीडियो निकालिए, प्रभात साहब ऐसा हो कैमरे के बाहर से आवाज नीचे आ सर आ गए हो सतीश जी आने नहीं, इधर आप भी फ्रेम में रहिए, आप सवाल कीजिए फिर हम इधर कैमरे के बीच में आ जाए सवाल के लिए मुझे बुलाया गया। मेरे साथ इस फिल्म की हीरोइन और बहुत ही प्यारी अदाकारा है विष्णु जी, मेरे डार्क सुपर स्टार हैं जो की बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही अच्छा म्यूजिक किया है। शुभ रात्रि का मतलब ये आज अगर शुभ रात्रि है तो कल प्रभात होगा। ये फिल्म अपने आप में एक शुभरात्रि टाइटल जरूर है मगर फिल्म लाइन के लिए, अपकमिंग स्टारों के लिए, नए पुरुषों के लिए कि एक शुभ प्रभात बनेगी। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म का भी ट्रेलर देखने के बाद में मुझे ये लगा कि ये वाकई में ये 2 साल जो गए हैं कोरोना के बाद में अगर कोई एंटरटेनमेंट की अगर वाकई में कोई अच्छी पिक्चर सस्पेंस थ्रिलर जो देखने को मिलेगी वह है शुभरात्रि। और इसमें शाहिद मालिया जी है, राजू जी है, काफ़ी बड़े बड़े अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने मतलब इसमें अपना काम किया है। काफ़ी इनका ट्रेलर के बाद में मुझे ये लगा कि इतनी मेहनत अगर इतना प्यारा ट्रेलर बनाए तो फिल्म तो बहुत ही प्यारी होगी। और विष्णु ने संगीत बहुत अच्छा दिया और राहुल जी ने सारे कलाकारों को बहुत अच्छा पिरो कर एक माला की तरह सारे कलाकारों को माला की मोतियों की तरह उनको पिरोया, बहुत प्यारी फिल्म बनाई। और इनके लिए मैं यही दुआ करूँगा कि इन्होंने जो सपना देखा था आज से 4-5 साल पहले कि मैं इंडस्ट्री में कुछ बनूँ, कुछ एक्टर बनूँ या विलन बनूँ, तो विलन के लिए तो लोगों के साथ धक्के खाए इन्होंने क्योंकि मुझे मालूम था कि इंडस्ट्री जल्दी से किसी को अपनाती नहीं है। ये गए भी कभी कहीं फाइनेंस की बात कहीं कहीं कुछ लगाने की बात की मगर लोगों ने इनको पिच किया, आखिर में इनको कहीं से प्रेरणा मिल गई। इन्होंने कहा कि जब मरना ही है तो खुद ही मर के स्वर्ग जाऊँ ना, तब इन्होंने ये फिल्म बनाई शुभरात्रि जिसका टाइटल बड़ा प्यारा है क्योंकि हम जब किसी से भी मिलते हैं जाते वक्त यही कहते हैं शुभरात्रि जी। हमारी फिल्म का उद्देश्य यही है कि देखने के बाद में आपको लगेगा कल का सुप्रभात बहुत प्यारा होगा। और इस पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ, खास करके इतने बड़े सारे चैनल लोग जो आप लोग आए हो, मैं हर वक्त आप लोगों की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग नहीं हैं तो हम लोग भी नहीं हैं। बगैर मीडिया के, बगैर चैनल के, बगैर प्रेस के कोई भी चीज़ हिट नहीं होती है और उसको हिट बनाना और उसको पब्लिक तक पहुँचाना इन लोगों का काम है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की तालियाँ बजा कर आप लोगों को नमस्ते करूँगा और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग यहाँ आए। थैंक यू। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, शुभरात्रि आपकी कैसी रही शुभरात्रि और कैसा रहा जर्नी और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप इस अवतार में। थैंक यू सो मच। मुझे तो देखिए काम करने में बहुत मज़ा आया और हालांकि मेरी मूवी है तो मैं अच्छा ही बोलूँगी और इस पर काफ़ी सस्पेंस है, थ्रिलर है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जाकर देखिए क्योंकि 2 साल तक तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ है, तो आप सब लोग जाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और रही बात मुझे काम करने में, तो मेरे जितने भी मैंने पूरी टीम के साथ काम किया है मुझे बहुत मज़ा आया है और हमने बहुत इन्जॉयमेंट के साथ काम किया है, काम की तरह नहीं इन्जॉय की तरह काम किया है, बड़ा बहुत मज़ा आया मुझे। और ये जो जर्नी
बहुत अच्छी थी और बस यही चाहूँगी कि आप लोग जाइए और सब जाइए और ज़रूर देखिए। इस अवतार के बारे में बता दें जो आप आज ने अवतार लिया है, आपने अवतार के बारे में पिक्चर के मूवी में नहीं नहीं आज आज जो आप ड्रेसिंग करके आई हैं अवतार के बारे में क्या बताऊँ, बस आप लोगों को अच्छा लगा इसके लिए थैंक यू। ओके राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे शिवरात्रि के बारे में, कैसी रही जर्नी और कैसी है ये फिल्म, और अगर लोग इसका पार्ट बने तो क्यों बने और क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिवरात्रि एक्चुअली मेरे बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने पोस्टर लॉन्चिंग में मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया था आज के लोग सब। और शिवरात्रि फिल्म जब शूटिंग चल रही थी तो किसी को पता ही नहीं था प्रोड्यूसर है कौन, हर लोग मुझसे पूछते थे क्योंकि मेरी गाड़ी आती थी और लोग यूनिट मेरा मान सम्मान करता था, तो लोगों को एक्चुअली लोग एक्चुअली कन्फ्यूजन में थे कि एक्चुअली प्रोड्यूसर है कौन है। कोई कोई भी सोचता था कि भाई एक ही आदमी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर कैसे हो सकता है, तो प्रोड्यूसर का जो पार्ट है वो क्लाइमेक्स में पता चला लोगों को भाई। एक दिन जब शूटिंग रह गया था तब लोगों को पता चला कि फिल्म के प्रोड्यूसर यही है। और इस सवाल डायरेक्शन का तो मैंने 2011 से मैंने इतने धक्के खा लिए और इतने पैसे गंवा दिए। अभी जो मैंने अंदर थिएटर के अंदर जो मैंने बोला कि इंडस्ट्री किसी को अंडर एस्टिमेट क्यों करती है, मेरे पास ऊपर वाले ने नवाजा है, भगवान ने मुझे दिया है, मैं संभल गया, हर कोई तो नहीं संभल सकता ना। तो शिवरात्रि एक मेरी जिद थी, एक मेरा मतलब को अभिमान नहीं कह सकता, मुझे ऐसा लगा कि नहीं फिल्म मैं पूरी कंप्लीट करूँगा, अधूरे में नहीं छोड़ूंगा। और फिल्म कंप्लीट होने के बाद एडिटिंग में बहुत सारे स्ट्रेस हुआ, भाग दौड़ हुआ, बहुत मगजमारी हुआ, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ बहुत सारा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं फिल्म को यहाँ तक लाया। और अकॉर्डिंग टू लॉकडाउन के दरमियान कई लोगों ने ऑफर दिया कि वेब सीरीज कर दो, ये कर दो, कर दो, मैंने कहा भाई थिएटर के लिए फिल्म बनी है तो थिएटर में ही फिल्म रिलीज हो, कि किसी से पैसा लेके फिल्म नहीं बनाई गई है, हमारे पैसे से बनाई गई है, इसलिए मैं फिल्म को थिएटर में ही रिलीज करूँगा भले 100 चले उतर जाए, फिर उस बात का कोई गम नहीं है। क्योंकि मैंने पैसों के लिए फिल्म नहीं बनाई, मैं करोड़ों लगा दिया मुझे 10 करोड़ आएंगे, उसके लिए फिल्म नहीं बनाई, मेरा शौक था, मेरा बिजनेस था, इसलिए मैंने बनाया। और रही बात शूटिंग के दरमियान काम करने की, तो काम सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे काम करने में राजकुमार कनौजिया जी के साथ में, मेहुल के साथ में, अला मैडम ने अपना बहुत टाइम दिया है, मैडम ने मुझे सबसे ज़्यादा मैडम ने दिया है क्योंकि मैडम इस फिल्म की मेन भूमिका थी, क्योंकि इसमें जो मेहुल शाहिद भाई और राहुल और राजकुमार कनौजिया और जावेद अहमद ये सब लोग आते थे जाते थे, लेकिन सबसे अहम भूमिका मैडम ने निभाया है। और हमारे सभी कलाकारों ने बड़ी ईमानदारी से हमारा हमें कॉपरेट किया और आगे भी हम बनाए, अभी कुछ प्लानिंग है हमारा फिल्म नहीं नहीं ये देवाजी है, हमारे गाने में 4 सॉन्ग इन्होंने दिया और जितनी फिल्में हमने बनाई और आधे में बंद कर दी सभी फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया है। ये पहली फिल्म है जो इनकी रिलीज़ हो रही है 19 तारीख को, तो मैं ये चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है, आप सब लोग जाइए इन्जॉय कीजिए। और स्टोरी जो है सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है, थोड़ा कॉमेडी है और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैंने भी 2-4 सीन कॉमेडी के किए, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा है मैं ड्रीम के साथ में पेड़ा खाता हूँ, दूध पी जाता हूँ, कब क्या खाना है पता नहीं, बस खाली मुझे ये रहती है मैं स्वागत कर देखूँ, लेकिन जब स्वागत का समय होता है तो वहाँ कुछ और ही होता है। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया फिल्म में और बस आई एम हैप्पी मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, सबको थैंक यू सो मच। जो फिल्म है बेसिकली सब्जेक्ट क्या इस फिल्म का और जो किरदार की बात है, कितना ज़्यादा आपको एंजॉय किया जब आप शूट कर रहे थे फिल्म को? ये फिल्म जो है इसका कंटेंट जो है एक्चुअली थोड़ा थ्रिलर है, सस्पेंस है, रिवेंज कह सकते हैं आप, और मेरा जो किरदार है वो थोड़ा ग्रे शेड है इनिशियली, मतलब बहुत पॉजिटिव बंदा बताया है, एंड जब स्टोरी जैसे आगे बढ़ती जाएगी तब पता चलेगा कि बंदे का कुछ ग्रे शेड है, और मतलब आई एम श्योर ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी बिकॉज कंटिन्यू लगेगा नहीं कि कहीं पर कुछ अटक रहा या जा रहा है, यहाँ पे लगा ये श्रीता मिलन है, मीनू भाई मिलन है या राहुल भाई है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो उसके लिए आपको सबको पूरी फिल्म देखनी होगी। म्यूजिक भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारे गाने हैं, हमने भी बहुत अच्छी इसमें परफॉर्म किया, डांस भी अच्छा किया, राहुल भाई ने भी गाने बहुत अच्छा डांस किया, फनी डांसिंग कॉमेडी, राहुल भाई ने बहुत अच्छी कॉमेडी एक्टिंग की है, कॉमेडी से सीधा नेगेटिव रोल में उन्होंने शेड प्ले किया, सो हमने सबने बहुत मिल के मेहनत की है। आई एम श्योर आप सभी को ये फिल्म पसंद आएगी, 19 तारीख को अगले फ्राइडे रिलीज़ हो रही है, मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि थिएटर में आइए, हमारी फिल्म देखिए, आपका प्यार और आपकी दुआ में। थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुभ रात्रि। सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या खास लगा यार आपकी डेब्यू फिल्म है कि आपने हाँ कहा? सिंगिंग में तो हम सब ने आपका जलवा देखा है, एक्टिंग की तरफ कैसे रुकी? एक्टिंग में एक्चुअली सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने कहा इस फिल्म से सीखी जाए। मुझे नहीं पता कि मैं सीख पाया कि नहीं पाया, लेकिन वो कैमरा फेस करना, टेक्निकलिटी समझना, तो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया सीखने के लिए। आजकल वीडियो में आने के लिए भी थोड़ी एक्टिंग चाहिए होती है, काम किया था उसमें। बस यही था कि कुछ टेक्निकली मैं वीक था जगह पर, तो एटलीस्ट मैं वीडियो में अच्छा दिखा। ये मेरी दोस्ती फिल्म है तो मैंने सोचा कि कुछ करते हैं, ट्राई किया। ये लर्निंग प्रोसेस था, आप बोल रहे हैं सीखने का प्रोसेस था। एग्जैक्टली। आपके किरदार के बारे में बताना चाहता हूँ। किरदार में एक हेल्पिंग फ्रेंड है जो हेल्प करता है। बहुत लोगों ने एक्टिंग ट्राई की, आपने तो बहुत स्ट्रेट कह दिया कि मैं सीखने के लिहाज से फिल्म वीडियोज भी करते हैं, उसमें भी एक परफॉर्मेंस की जगह रहती है। सोनू निगम ने किया और मीडिया तो सक्सेसफुल भी रहे, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सिंगर एक अच्छा एक्टर हो सकता है या नहीं? मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को अच्छे से तालीम लेनी चाहिए, उसको उसके बारे में जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। मुझे भी नहीं जानकारी, मैं भी सीख रहा हूँ। सिंगिंग अपने आप पे इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अगर उसको भी ठीक ढंग से कर लिया जाए तो भी बहुत कुछ बच जाता है। एक्टिंग भी अपने आप में एक अकेडमी है, सीखने के लिए एक जिंदगी लगती है। थैंक यू।